अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सर्दी थी बहुत ज़्यादा। तो अभी 2-3 दिन हो चुके हैं कि धूप निकल रही है, काफ़ी अच्छी निकल रही है। तो अभी सबसे पहला काम तो है बकरियों को चारा डालना, वो डाल लेते हैं अभी। चारा डालने के वक्त बकरियों को मैं बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि फिर ना तंग नहीं करती, डालना आसान होता है। बकरों को कमरे में बंद कर देंगे। चलो भी, चलो 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 चलो, शाबाश। चल 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 चल। बकरियों को चारा भी डाल दिया और पानी भी डाल दिया। अभी अगला काम, लेकिन उससे पहले थोड़ी रेस्ट। बकरियां अभी दरवाजे पर आ चुकी हैं, बाहर से मेरे ख्याल से उन्होंने चर ली है, तो अभी उन्हें अंदर ले आते हैं। अभी हमारा अगला काम ये है कि ये देखें, ये अभी जो बाउंड्री लगी हुई थी ना, ये गोबर, ये बायोगैस प्लांट है, तो जो वेस्ट निकल रही है उसे एक बाउंड्री लगाई हुई थी उसे कंट्रोल में रखने के लिए, लेकिन ये अभी ओवर हो रही है, ये बाहर आ रही है। तो अभी इसका दूसरी तरफ जो रास्ता है वो खोलना है, लेकिन वो खोलने से पहले जो पहला गोबर पड़ा हुआ है उस तरफ वो उठाना है।
ये देखें, ये अभी सर्दियां थी तो कुछ देर लगी इसे खुश्क होने में, लेकिन खुश्क हो चुका है, इतना ज़्यादा नहीं खुश्क हुआ। अभी इसे उठाएंगे, उठाने के बाद ये इस तरफ से इसका मुंह खोल देंगे ताकि वो उस तरफ ज़्यादा गंद ना पड़े। तो उसे फिर जब वो खुश्क होगा तो उसे उठा लेंगे, लेकिन इसे उठाकर डालना है बाग में, तो जिस बाग में डालना है वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है, तो पहले वो रास्ता बनाना है, फिर वहाँ पर इसे डालना है। तो अभी रास्ता बनाते हैं जाके। ये अभी इस पुली से गुज़रते हुए जाना है हमने, इधर से ये जगह भी थोड़ी बहुत सेट करनी है और इस खाले से गुज़रना है। इस खाले को अभी इस तरह बनाना है ताकि ना खाला बंद नहीं करना, ताकि पानी भी गुज़रता रहे और हमारी गाड़ी भी। और ये इसकी एक शाख, ये वाली जो आ रही है ना, ये वाली, ये भी काटनी है। तो और छोटी मोटी काटेंगे और हमारा काम बन जाएगा। ये शाखें वहाँ ऊपर से लटक कर नीचे आ रही थी, तो ये भी काटनी ज़रूरी थी। अभी यहाँ से खाले की रेप बनाएंगे और इस बाग में आना है, यहाँ पर डालनी है वो जो वेस्ट है बायोगैस की। अभी एक काम और निकल आया है, ये पीछे आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, तो ये इंजन चल रहा है यहाँ पर ना, वो रूटर है एक, जो हमने ट्राली में नहीं डाला हुआ वही है, उससे ना हल भी चलाए जाते हैं। तो वो असल में हमने लिया था अंगूरों में हल चलाने के लिए, तो उससे और भी काम ले लेते हैं। तो अभी अब्बू जी वहाँ हल चला रहे हैं अंगूरों में, मैं अभी अंगूरों में ही हूँ, आपको शोर सुनाई दे रहा होगा। तो उसका पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, पेट्रोल लेकर आते हैं पहले, फिर अपना बाकी काम करेंगे। ये अंगूरों में बड़ा ट्रैक्टर तो चलता नहीं है, इसलिए हमने ना छोटा लिया है हल चलाने के लिए। तो ये बाग में पौधों के नीचे से अंगूरों में थोड़ी जगह होती है ना, लाइनें लगी हैं, लाइनें बनी हुई हैं, तो वहाँ पर हल चलाने के लिए ये सबसे बेहतर है। तो इसके पीछे ट्राली भी डलती है, रीपर भी लगता है आगे गंदम काटने के लिए, और बाग में ये गोडी वगैरह करने के लिए सबसे बेहतर है। तो सबसे पहले तो पेट्रोल लेके आते हैं ना, पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। ये एक ही जगह ना दो तीन मरतबा हल चलाना पड़ता है, फिर जगह नरम हो जाती है। अभी ये ढलान बन चुकी है दोनों साइड से, तकरीबन इस साइड से तो मुकम्मल बन चुकी है, ये इस साइड अभी थोड़ा सा काम रहता है। तो बाकी कामों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये वाला काम वाकई में मेरे खून और पसीने की मेहनत है।
पता है कैसे? ऐसे ये खून अभी का काम हुआ कंप्लीट। अभी गोबर कंफर्म नहीं है कि कल ही डालने हैं, परसों भी डाल सकते हैं, क्योंकि आज तो हल चल रहा है अंगूरों में, तो कल आड़ुओं में चलेगा, तो परसों फ्री हो जाएगा। परसों गोबर फेंकेंगे बाग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आज हमने खून के साथ साथ पसीने के साथ साथ अपना खून भी बहाया है। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।